आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस खास पवित्र दिवस के अवसर पर शहर के बौद्ध धर्मावलंबियों ने साक्ची स्थित बोधि सोसाइटी में जाकर विशेष पूजा अर्चना और प्रार्थनाओं में हिस्सा लिया। आज ही गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए थे और आज ही के दिन उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। इस खास अवसर पर शहर के बौद्ध धर्मावलंबियों ने बोधि सोसाइटी में जाकर विशेष प्रार्थना और पूजाएं की। बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती को उनके अनुयायियों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। बौद्ध धर्मावलंबियों ने उनके संदेशों को फिर से आत्मसात करने की कसमें खाई। शांति, अहिंसा, प्रेम, त्याग, बलिदान और क्षमा के संदेश को जन जन तक फैलाने के लिए गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन तप और साधना में विलीन कर दिया था। 45 साल तक कोई क्रियाक्रम को कर्मकांड को प्रचार नहीं करे। भगवान बुद्ध चाहते थे मनुष्य कैसे मनुष्य बने, इसलिए भगवान बुद्ध का प्रयत्नशीलता था और मनुष्य जात पात विचार भावना से दूर हटकर सारे संसार का भलाई के लिए काम करे। संसार को मनुष्योत्तर जीवन मनुष्य कैसे मनुष्य बन सकते उसी मार्ग पर चले, इसीलिए भगवान बुद्ध ने पंचशील देकर जिस पंचशील मार्ग को अपनाकर हमारे ये क्या बोलते हैं नेशनल फादर गांधी जी ने सारा विश्व का साथ मंत्री का बंधन करे और हमारे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी ये पंचशील मार्ग के द्वारा सारे एशियन बुद्धिस्ट कंट्री का साथ अपना मातृत्व को सुप्रतिष्ठित किया। मैंने भी हमारे देश के लिए संदेश दे रहे जात पात से आगे आकर सब भाईचारा का साथ जीने के लिए देश का अखंडता के लिए काम करे, ये आज हमारे बुद्ध जयंती से हमारे सबका भारतवासी का प्रति हमारे शुभ कामना। स्मार्ट पुलिसिंग के तहत अब पुलिस प्रशासन का काम भी स्मार्ट तरीके से ही ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कोर्ट प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑनलाइन वारंटी की जानकारी और ड्राफ्ट भी सीधे थानों में ऑनलाइन ही पहुंचेगी। एसएसपी ने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें कई जरूरी दिशा निर्देश दिया। इस दौरान पुलिस के कामों को और सहज और सरल बनाने की चर्चाएं की गई। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी एसएसपी अनूप जी मैथ्यू ने अपने माथतों को दी। इस दौरान ऑनलाइन कोर्ट प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑनलाइन वारंट की जानकारी और ऑनलाइन थाने तक डाक पहुंचाने की भी बातें कही गई। जो काम है उसमें जो है जितना कंप्यूटराइजेशन हो सकता है, जितना आईटी का मदद लेना है उस दिशा में हम लोगों का काम है। पूर्व से भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी जो है निर्देश दिया है मैक्सिमम आईटी का यूज करना है सरकारी कामों में, उस दिशा में एक काम है। जो जितना कोर्ट का जो भी वारंट है सम्मान है वो सब जो है आज के दिन में सब मैनुअली थाना चले जाता है, स्पेशली जो दूर का थाना में, और उसके बाद एक्सिक्यूट करके मैनुअली मैसेंजर के थ्रू आ जाता है। उसमें काफी समय का डिले होता है और उसके चलते बहुत बार जो है समय पर लोग कोर्ट में आ नहीं पाता है, समन समय पर नहीं मिलता है, ये सब कंप्लेंट्स बार बार मिल रहे हैं। उसको दूर करने के लिए पूरा सिस्टम का हम लोग ऑनलाइन किया है ताकि जो है कोर्ट का जो भी कागज आता है हम लोग थाना में ऑनलाइन भेज देंगे और उसके बाद एक्सिक्यूट करके जो है उसको स्कैन करके फिर उसको जो है अपलोड करके ऑनलाइन लौटा देंगे ताकि जो है काफी समय का बचत होगा और कोर्ट का काम में भी काफी तेजी आ जाएगा और पुलिस का काम में, प्रोसिक्यूशन का काम उसमें भी जो है काफी स्पीड आएगा। और बेसिकली ऑलरेडी हम लोगों के पास जो सिस्टम है कंप्यूटर का नेटवर्क पूरा कर चुका है सभी थाना में।